प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थनाएं। तो आज का आपका अभ्यास है योगा फॉर वीकनेस। किस प्रकार से आप वीक बॉडी को तैयार करते हैं, उसे मजबूत करते हैं और किस प्रकार से आप शक्तिशाली होते हैं। तो बहुत सरल आसन है, बस उनको थोड़ा लंबा अभ्यास करना होता है। तो आप शुरुआत करेंगे पहले आसन से। हमारा पहला आसन है वज्रासन। बड़ा सरल आसन है, इसको आपने लंबा होल्ड करना। हम वज्रासन में बैठेंगे, दोनों घुटने साथ में जुड़ जाते हैं और आप बैठते हैं अपने काफ मसल्स पर, अपनी पिंडियों पर। उनके ऊपर दबाव देना होता है, उनके ऊपर प्रेशर देना होता है। इस प्रकार से आप बैठेंगे, हाथ को आपने सीधा रखना है अपने घुटनों पर, गर्दन सीधी रखी और बस बने रहे इस आसन में। तो मिनिमम आपने एक मिनट इसको होल्ड करना है और ऐसे 5 सेट करने हैं। ये है हमारा पहला आसन, इसका नाम है वज्रासन। अब हम चलेंगे दूसरे आसन पर। दूसरे आसन का नाम है संतुलन आसन। दूसरा और तीसरा आसन साथ में होगा, तो पहले हम संतुलन आसन को समझेंगे। इस प्रकार से शरीर को आपने स्थिर करना है, दोनों हाथों पर दोनों पांव जुड़ जाने चाहिए, आपकी गर्दन सीधी रहेगी। श्वास यहां पर छोड़ के होल्ड करना पड़ता है, मतलब एक्सहेल करेंगे और फिर होल्ड करना पड़ता है इसको। ये है हमारा दूसरा आसन, इसका नाम है संतुलन आसन। बड़े आराम से घुटनों के बल आगे आराम दिया, शरीर को ठहराव दिया। इस आसन को भी आपने कोशिश करनी है 1 मिनट होल्ड करने की और ऐसे 5 सेट करना। अब तीसरा आसन, वो थोड़ा सा मेहनत का आसन होगा लेकिन आपको शक्ति देने में बहुत मदद करेगा। इस आसन का नाम है चतुरंग दंडासन। देखो नीचे गए, यहां पर आपने बस 5 सेकंड रोकना है और फिर पीछे आ जाना है। इस आसन को हमें बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए क्योंकि बहुत शक्तिशाली आसन है और बहुत प्रभाव देगा, स्पेशली उन सब के लिए जिनका शरीर बहुत वीक है। झुके रुके, 5 4 3 2 1, बड़े आराम से पीछे आ जाएंगे। ठहराव देना है यहाँ पर। इस आसन को भी आपने 5 सेकंड एक बारी में करना है, ऐसे 5 सेट करने। अब चलेंगे चौथे आसन पर। चौथे आसन का नाम है वीरभद्रासन। देखिए कैसे करना है। हम शुरुआत करेंगे राइट साइड से। पहले तो दोनों पांव ऐसे फैला दिए, राइट साइड देखेंगे। इस प्रकार से शरीर को सीधा किया, हाथ आगे की तरफ कर दिया और पिछला हाथ पीछे की तरफ। श्वास यहां पर आपके सामान्य रहेंगे, शांत रहेंगे, इनहेल एक्सहेल दोनों चलता रहेगा। पीछे का हाथ भी सीधा रखना है, आगे का हाथ भी। इसी तरह से बदल देंगे दूसरी तरफ। अब इसका होल्ड जो है आप लगभग 60 सेकंड 1 मिनट करते हैं। 1 मिनट होल्ड करना है आपने दाईं तरफ, 1 मिनट होल्ड करना है बाईं तरफ। इस तरह से 5 सेट करने हैं। ठहराव देके रखिए। यह हमारा चौथा आसन है। बहुत धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे। दाईं तरफ किया, ठहराव लेना है, मजबूत रहना है। वीरभद्र आसन है, तो एक वीर की तरह आप नजर आने चाहिए, एक वॉरियर की तरह आप नजर आने चाहिए। बने रहेंगे। ये हमारे 4 आसन पूरे हुए। अब हम 5वें आसन पे जाएंगे। 5वां आसन भी सरल आसन है, आप सभी उसको कर सकते हैं। 5वां आसन है मलासन। दोनों पांव इस प्रकार से मैट पर रखने हैं और आप ऐसे बैठते हैं। यहां भी पिंडियों पर प्रेशर रहता है और आपके हाथ आपके घुटनों पर रहते हैं।
पीठ सीधी रखी जाती है, गर्दन सीधी रखी जाती है, आंखें बंद और शांत श्वास। शांत श्वास आप लेते हैं और आराम से इस आसन से बाहर आना है। इसको भी आपने एक मिनट होल्ड करना है, ऐसे 5 सेट करने हैं। पिंडियों पर प्रेशर पड़ता है, इससे आपका आपका पेट मजबूत होता है, आपका गट बैक्टीरिया, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो इस कारण ये आसन बहुत लाभदायक है आपके शरीर को शक्ति देने में। ठीक है, तो आपने 5 आसनों का अभ्यास किया, बड़े आराम से और बड़े ध्यान पूर्वक इनकी प्रैक्टिस करिएगा, आपको शक्ति मिले, आप ऊर्जावान हो, ऐसी मेरी प्रार्थना। तो आपके और अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही, प्रणाम।